बाग में पीड़िता कुसुम देवी के छात्रों ने एटीएम कार्ड बदलकर उनके खाते से 33,000 रुपयों की निकासी कर ली। पीड़िता जब एटीएम से बाहर निकली तो कुछ देर बाद उनके मोबाइल पर मैसेज आया कि उनके खाते से 33,000 रुपये निकल चुके हैं। मैसेज देखकर पीड़िता को समझते देर नहीं लगी कि उन्हें छात्रों ने अपना शिकार बनाया है। इसके बाद तुरंत उसने मामले की लिखित शिकायत थाना को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जी तो आपको बता दें कि मसौढ़ी के लक्की बाग में छात्रों ने एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 33,000 रुपए निकाल लिए। इसके पहले की महिला समझ पाती उनके साथ क्या हुआ है, छात्र उनके अकाउंट से 33,000 रुपए निकाल चुके थे। ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं जहां पर छात्र एटीएम कार्ड का नंबर लेकर या उनसे सीवीवी नंबर मांगकर और एटीएम पिन कोड और ओटीपी के जरिए नंबर निकालते थे, लेकिन इस बार कार्ड एक्सचेंज करके छात्रों ने 33,000 रुपए निकाल लिए हैं पीड़िता के अकाउंट से। जी हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक जुड़ चुके हैं। ऋतिक, आप एक बार फिर से ये पूरा मामला बताएं कि किस तरह छात्रों ने 33,000 रुपए निकाल लिए हैं महिला के अकाउंट से। देखिए रिदामरा, बात ये है कि एटीएम गई थी वो महिला और पैसे निकालने के लिए, लेकिन इस दौरान शातिर पहले से ही वहाँ पे घात लगाए बैठे थे और कार्ड बदल के उन्होंने जो है पैसे निकाल लिए। 33,000 रुपए उसके अकाउंट से निकाले पीड़िता से, और जब पीड़िता एटीएम से बाहर निकली तब उसको फोन पे मैसेज आया है कि 33,000 रुपए जो है वो निकाल लिए गए। उसके बाद वो उसको ये समझते देर नहीं लगी कि जो पैसे निकाले गए वो शातिर के द्वारा ही निकाले गए। तो पुलिस को जाके इस पूरे मामले की सूचना जो है पीड़िता ने दे दी है, और इस मामले में जो लिखित शिकायत है थाने ने दर्ज भी कर ली है पुलिस ने, और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन करी। और जिसने भी ये जिन छात्र ने ये काम किया, इस घटना को अंजाम दिया है, पैसों की अवैध निकासी की है, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर अभी कार्रवाई की जा रही है। रताबरा जी, ऋतिक पहले भी ऐसे मामले सामने आए जहां पर कॉल करके और ओटीपी पूछकर इस तरह से अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे थे, लेकिन यहां पर शायद एटीएम के बाहर ही अपराधी बैठे थे और कार्ड एक्सचेंज करके महिला के अकाउंट से पैसे निकाल लिए। मतलब ऐसा भी मामला अब सामने आने लगा है, इस पर क्या कुछ कहना है मतलब आसपास के लोगों का या फिर जो भी है प्रशासन के लोगों का, कि कैसे वो लोग एटीएम के बाहर बैठे होते हैं और महिला के अकाउंट से वो 33,000 रुपए निकाल लिए। देखिए, इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी तो बिल्कुल फैल गई है और लोगों में एक डर भी व्याप्त है, क्योंकि इस तरीके की घटना सामने आती रहती है कि ओटीपी मांग के जो छात्र हैं, जो बदमाश है, वो अकाउंट से पैसे, खाते से पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन ये मामला पहली बार इस तरीके की मसौड़ी में सामने आई है कि छात्र पहले से ही एटीएम के बाहर घात लगाए बैठे थे और कार्ड बदल के इस घटना को अंजाम दिया गया है और पैसे निकाल लिए। तो इस घटना के बाद से पूरे इलाके में लोगों में डर भी है, और पुलिस का इस पर कहना है फिलहाल कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और जो भी इसमें संलिप्त है, जो भी छात्र इसमें शुमार है, शामिल है, उनके ऊपर कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया ऋतिक। तो आपको बता दें कि मसौढ़ी के लक्की बाग में कुसुम देवी के अकाउंट से छात्रों ने 33,000 रुपए निकाल लिए। उनका कार्ड बदल के छात्रों ने 33,000 रुपए उनके अकाउंट से निकाल लिए। मोतिहारी के चकिया प्रखंड स्थित बंजुला उच्च माध्यमिक स्कूल में लोगों ने तालाबंदी कर विरोध प्रकट किया। दरअसल प्रदर्शन कर रहे लोग रात्रि प्रहरी के नियुक्ति के चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होने के कारण नाराज हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 4 मार्च को इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास आवेदन भी दिया गया था, जिसमें रात्रि प्रहरी की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ उचित योग्यता और मापदंड के अनुसार चयन करने की बात कही गई थी। रात्रि प्रहरी का बहाली कर दिया गया है इसी वार्ड के एक व्यक्ति का, जिस वार्ड में यह विद्यालय अवस्थित है, लेकिन यहाँ लोग जो है सो विधायक को बुलाने और विधायक प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने बहाली कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, इस तरह की मांग ले करके ये लोग विद्यालय शैक्षणिक कार्य को बाधित किया। जी आपको बता दें कि मोतिहारी के चकिया प्रखंड में बंजुला उच्च माध्यमिक स्कूल में रात्रि प्रहरी के चयन को लेकर काफी विरोध हुआ और तालाबंदी कर लोगों ने अपना विरोध प्रकट किया है। दरअसल प्रदर्शन कर रहे लोग रात्रि प्रहरी के नियुक्ति के लिए आए थे, जिसमें
चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होने के कारण वे नाराज हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 4 मार्च को इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास आवेदन भी दिया गया था, जिसमें रात्रि प्रहरी के चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ उचित योग्यता और मापदंड के अनुसार चयन करने की बात कही गई थी। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी धनंजय जुड़ चुके हैं। धनंजय, क्या है ये पूरा मामला? जी, रात्रि प्रहरी को लेकर जो अनियमितता बरती गई है विद्यालय प्रशासन के द्वारा, उसको लेकर यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है और वही अनियमितता के कारण यहाँ के ग्रामीण सही चयन को लेकर अड़े हुए हैं, जबकि यहाँ के जो प्राचार्य हैं उनके द्वारा विरोध करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने हेतु स्थानीय थाना में आवेदन भी दिया गया है, जिसको लेकर यहाँ के ग्रामीण जनता काफी आक्रोशित है। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया धनंजय। तो आपको बता दें कि रात्रि प्रहरी के नियुक्ति के चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होने के कारण नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड के एक दर्जन गांव में पिछले 15 दिनों से बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। दरअसल पिछले 15 दिनों के भीतर बंदरों ने 100 से ज्यादा लोगों को काटकर घायल कर दिया है, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। बंदरों के आतंक के कारण लोग लाठी डंडे के साथ पहरा देने पर मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि अब तक प्रशासनिक अमले और वन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या कुछ परेशानी हो रही है बंदर? बहुत कुछ परेशानी है। वो अचानक 2-3 को बंदर आके घर में उत्पात मचा रखा है पूरे गांव में। हमारे घर में आकर के जैसे सामान वान सब डैमेज कर दिया, आदमी को भी डैमेज कर दिया, हमको काट लिया ना, सामान सब छीट दिया। दोरों से हम लोग जग के बिहान कर रहे हैं, जीना हराम हो गया हुआ है ना। अब मैंने आके पूरा सामान सबको तोड़ फोड़ राइछिया कर देता है।